हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्लाइसिंग राइट, तो इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप आर्गुमेंट। स्टेप आर्गुमेंट क्या है कि सेम इसी तरीके से काम करता है वो, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले हमने कह रहे थे कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक जाए, लेकिन यहाँ पर हमने किसी भी एलिमेंट को, मैंने क्या क्या किया था, किसी भी एलिमेंट को आप जंप ना करो। लेकिन जो स्टेप आर्गुमेंट है वो बताता है कि यार किस किस को जंप करवा के आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ स्टेप आर्गुमेंट। तो चलिए एग्जांपल देते हूँ, एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सिंटेक्स, तो चलिए क्या है कि सारा ये सिंटेक्स सेम है, बस यहाँ पे आप एक को और थपना है और यहाँ पे लिखना है कि कितने स्टेप आपको जंप करवाना है। तो इसमें से भी एक माइनस होता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एंडिंग वाला एक माइनस होता है, उस तरीके से जो जंप स्टेप होता है, स्टेप मतलब जंप कराना, वो भी सेम होगा। और इस पर दे दूँ, आसान था कि समझने में भी। तो मैं इसी को प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। अब यहाँ पे मैं करवाऊँगा ना कि जो नेम है उस पर कुछ ए हो जाए, कि शुरू हो जाए जीरो से, यानी कि पहले से एलिमेंट से ही शुरू हो जाए, जो एलिमेंट पहला है इसी से शुरू हो जाए। और कहाँ तक चला जाए ये, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, पूरा चला जाए, फाइव तक ही चला जाए। फाइव तक जाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको सिक्स लिखना पड़ेगा, यानी कि फाइव तक जाएगा ये। अब आप लिखूँगा मैं यहाँ पर स्टेप आर्गूमेंट। अब इससे जो थर्ड पर आएगा ना वो आ गया स्टेप आर्गुमेंट। स्टेप आर्गुमेंट मतलब क्या होता है कि पहले आप, मैं आपको समझाता हूँ एक लिख के, यानी कि वन। वन का मतलब क्या हो गया, वन माइनस वन, यानी कि इसका मतलब अब कोई मैंने नहीं रहा, यानी कि है ना, वन का मतलब वन जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकता। चलिए मैं यहाँ पर रन के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वन है तो वन से तो माइनस वन हो गया, तो मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। तो आप क्या करेगा इस पर, क्या कर सकता है, यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ इफेक्ट नहीं दिखा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे टू लिख दूँ तो क्या होगा, टू लिखने पे क्या होता है कि टू जो है वहाँ से एक माइनस हो जाता है, लेकिन एक बच जाता है ना। तो ये जो बचता है उसका मतलब, जो वन बचेगा ना उसका मतलब क्या होगा कि एक को जंप करते जाओ। अब एक प्रिंट करो और एक जो आर्गुमेंट जो यहाँ पे स्टेप है ना उसको जंप कर दो, एक एक लेटर को, एक को प्रिंट करो, एक कैरेक्टर को आप जंप करो, एक को प्रिंट करो, एक को जंप करो। अब एग्जाम्पल में क्या होगा, जब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा आर, उसके बाद में ए को जंप कर जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे टू का मतलब एक को जंप कर जाओ, यानी कि ए नहीं आ गया। अब आएगा जे, जे आ गया, जे आने के बाद में फिर क्या होगा, फिर ई जो है ना उसको जंप कर जाएगा, फिर आ जाएगा एच, ओ यस, फिर क्या होगा एच को जंप कर जाएगा, उसके बाद कोई कुछ है ही नहीं, यानी कि इतना प्रिंट हो जाएगा। एक को प्रिंट करो और एक को जंप करो, इसका मतलब है कि जंप करवाना। अगर आप दो लिखेंगे तो एक जंप होगा, अगर आप तीन लिखेंगे या थ्री लिखेंगे तो क्या होगा, टू जंप होगा। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, ये वाला दिखाता हूँ तो आपको समझ ही आ जाएगा। ये देखिए, अगर क्या बात है कि मैं यहाँ पे अगर मैं थ्री लिख दूँ तो अब कितने जंप होगा, अब टू जंप होगा, तो यहाँ पर आंसर अब चेंज हो जाएगा। शुरू हो रहा है जीरो से, जाएगा कहाँ तक, सिक्स तक जाएगा, लेकिन जब कितना होगा, जंप होगा टू। तो देखिए आर प्रिंट हो जाएगा, आर प्रिंट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे टू जंप हो जाएगा ये दोनों, फिर चला जाएगा ई पे, फिर क्या होगा ई के बाद में ये दोनों जंप हो जाएगा, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, यानी प्रिंट कितना होगा, सिर्फ आर और ई। ये देखिए क्या बात है कि अगर मैं यहाँ पे फोर लिख दूँ, जंप फोर हो जाए, अब क्या होगा, एक प्रिंट होगा और तीन जंप हो जाएगा ये, फिर यस प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आर और यस प्रिंट होगा। तो स्टेप जो लिखेंगे ना उसका मतलब जंप करवाना होगा। देखिए तो ये समझ आ गया होगा आपको। तो क्या बात है कि अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं और जाऊं सिर्फ फाइव तक, अब फाइव का मतलब कहां तक जाना है, सिर्फ इसको फोर तक ही जाना है, जीरो वन टू थ्री फोर, यानी कि अब मुझे सिर्फ इतना ही देखना है, एच को नहीं देखना है, इतना ही देखना है, जाएगा कहाँ से, जीरो से जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा सिर्फ फाइव तक, यानी कि फोर तक सिर्फ ही जाएगा, यानी कि यहाँ से ये फोर तक जाएगा,
और इसके अंदर ही जो होना है होना है, एच तो काउंट होगा ही नहीं, यानी कि एच यहाँ पे है ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तो जाएगा सिर्फ इतना ही तक, एच को काउंट नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अब क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा ये स्टेप आर्गुमेंट में 3, तो जंप कितना करेगा अब 2 करेगा, है ना, कहाँ तक जाएगा, सिर्फ 4 तक जाएगा, तो आर को तो प्रिंट कर देगा यहाँ पे पहला, फिर कहाँ पे जाएगा, ए को जंप करेगा, इसको भी जंप करेगा क्योंकि 2 को जंप कर देगा, फिर प्रिंट कर उसको किसको कर देगा, ई को, फिर जो यस है उसको फिर क्या कर देगा, जंप कर देगा। समझ आ गया आपको, ये देखिए। तो क्या बात है कि अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ 2 से और चला जाए ये 6 तक, या आप जो आपको मर्जी आप वहाँ तक ले जाओ, 2 का मतलब शुरू होगा 0 1 2, यहाँ से शुरू हो रहा जा रहा 6 तक, यानी कि 5 तक जाएगा, 3 4 5, यानी कि यहाँ तक ये सारा काउंट होगा। अब इसमें से क्या होगा ना कि 2 जंप होते जाएगा, यानी कि जे प्रिंट हो जाएगा। अब जे प्रिंट होने के बाद में क्या होगा, 2 जंप कर देगा इस दोनों को, फिर प्रिंट होगा यच, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार, किसको जंप करवाना है आपके हाथ में, आप जिसको चाहो उसको जंप करवा दो। क्या बात है कि मैं स्टार्ट करूँ ही ना, मैं एंड भी ना करूँ, सिर्फ जंप करवाते जाऊँ, तब क्या होगा कि शुरू से शुरू होगा अब एंड तक जा गए, तो शुरू और जंप कितना होगा 3, इसका मतलब ए प्रिंट होगा यार पहला, फिर 2 ये जंप हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा ई, फिर ये दोनों क्या होगा, जंप हो जाएगा, यानी कि प्रिंट होगा सिर्फ आर ए और ई। ये देखिए इंटरेस्टिंग लगा आपको, अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि ये सब को आप प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन ये बोलेगा नहीं सबको नहीं करना भाई, पहले कुछ कुछ जंप मुझे जंप भी करना है, किसी जंप करने का मन कर रहा है, क्योंकि आप जब आप 3 लिखेंगे ना उसका मतलब कि उसका जंप करने का मन कर रहा है, उसे करना ही होगा जंप। तो ये था स्टेप आर्गुमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि यार किस तरीके से हम इसे उल्टा प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि एच एस ई जे ए आर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए टेटून, गुड बाय।